तो ना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम बैचलर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, हमें कभी कभी डेली लाइफ में भी ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जो जो बहुत से बंदे अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं कर पाते, यही है बैचलर्स लाइफ। तो इसी चीज़ को लेकर अमनीश सिंह ने अपनी वीडियो निकाल दी, नहीं लाइफ ऑफ बैचलर्स वीडियो तो काफ़ी पहले निकाल दी है, आज मैं उस पर एक तरह से रिएक्शन और रिव्यू करने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक देखना और देखना कि एक बैचलर अपनी लाइफ में क्या करता है एक नॉर्मल लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं, तो लगा लो अपने अपने कानों में ईयरफोन। भैया आज तुम्हारे पास हेडफोन है, सॉरी। अरे खोल दे यार। जी पापा, नीचे आ गए आप? आ रहा हूँ पापा, बस दो मिनट, दो मिनट दूँ। ओए सुनो, तुम दोनों कान खोल के, नीचे मेरा बाप आ गया, ऊपर लेके आ रहा हूँ, एक चूचा की आवाज नहीं आ नीचे, वरना देख लेना बुरा होगा, बहुत बहुत बुरा होगा। अरे चूचा आपको ऊपर लगी हुई है भाई, दरवाजा खोल दे यार, बहुत जोर से आई है। अबे थोड़ी देर रुक यार, अभी तो आया हूँ मैं। अरे साला समझ को नहीं रहा, मेरा ज्वालामुखी यही फट जाएगा भाई, दरवाजा खोल दे। हट, अभी नहीं निकल रहा मैं, तू कहीं और जाके मूत ले। आइए पापा। अरे पापा वो रेनोवेशन करा रहा था, घर थोड़ा अच्छा दिखता ना इस वजह से। चलिए ऊपर और भी अच्छा दिखाई, आराम से आइएगा पापा, आराम से आना। वो यहाँ से मोड़ देगा। मौसम तो साफ है। अबे कौन मूत रहे बे? अरे यार इसको भी अभी आना था, साले ने आधे पे रोक दिया यार, क्या करूं। आप पापा आपको अपना घर दिखाता हूँ। अबे तू फिर से आ गया, परेशान करके रखा हुआ एकदम। आइए ना आप अंदर आइए पापा, आइए आइए आपको बेडरूम दिखाता हूँ, आइए अंदर आइए। पापा क्या हो पापा? पापा नमस्ते अंकल। सुतंत आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सोच रहा है ना आज दो दो पैक लगाई जाएगी मस्त। रोज रोज दारू है, इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई, पेड़ पे उगता है पैसा। अबे तुम पैसे की टेंशन मत लो, ये देखो पैसा ही तो कमा रहे। कैसे? प्रमोटर देखो, ये फोरा बेट पे ना कैसीनो वाली ऐप है, इस गेम में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस स्पिन करना, और अगर स्पिन करके सही मैच आ गया ना तो तुम पैसे जीत सकते हो। कैसे? ये देखो 2000 रुपए। तुम भी ट्राई कर। 550 रुपए बेटा, 20 सेकंड में इतने पैसे कमा लिए, मानता है कि नहीं यार? बहुत तगड़ी ऐप है, इसको अभी डाउनलोड करता हूँ मैं, रुको। डाउनलोड कर लो, फिर पैसा ही पैसा होगा, रोज रात को दारू नीट मारी जाएगी और इस मकान मालिक के मुंह पे पैसे मारेंगे, ठीक है? चल। मैं रखता जोगी, ओए रखता जोगी, ओए होए होए होए, मैं प्रेम का प्याला। बे सत्तू क्या कर रहे हो, जल्दी पैक बनाओ और थोड़ा हार्ड बनाना, कह रहा मौसम बड़ा अच्छा, लुफ्त उठाएंगे। पता हम क्या सोच रहे हैं बताओ, दारू की बोतल उठाया तुम्हारे मुंह में उड़ेल दे साले, एक ही बार पूरा नसा चढ़ जाए तुम्हारा, टक टक आ जाओ तुम। सचिन को पाई खाड़ बना रहे हो ना? हम बताएं हमारे मन में क्या चल रहा है। एक तो हम हर बार तुमको 600 रुपया देते हैं और ये छोटी सी क्वार्टर लेके आ जाते हो, और दूसरी बात ना तुम्हारे दिमाग बराबर किया, ऐसा ना हो ना कि इसको उठा के तुम्हारे सर पे फोड़ दे हम। और बोला हमको उतना ही बोला करो हमको पीने से पहले, कि हमारे पीने के बाद नसा चढ़ने के बाद हमारी मार सह सको। कहा भैया मुंह का दीदार खत्म हो गया तो पैक बना के दे दो हमको। बना रहे, पानी अच्छे से डालना। पता क्या पानी डाले, पानी तो भगवान डाल रहे यार, पूरा माहौल एकदम खराब कर दिया। अरे यार तुम बहुत ना नेगेटिव आदमी, तुम रहने दो, हम पानी मिला रहे हैं, इतना टाइम नहीं, मौसम का लुप्त उठाते हैं, ठीक है? आज की जाम हमारे किसी भी चीज के ना। कुछ भी नहीं, दारू थी पे बहुत।
प्रणाम अंकल। और दारू चल रही? दारू? वो क्या होता अंकल? वो जो तूने पीछे छुपा रखी है ना, उसे कहते हैं दारू। डरो मत, मौसम बहुत अच्छा था तो सोचा तुम लोग को ज्वाइन कर लूं। अंकल सॉरी, वो एडमिशन क्लोज्ड हो चुका है। वो क्या है ना, दारू की बोतल खत्म हो गई। मैं ना यहाँ तेरा सड़ा हुआ ठर्रा पीने नहीं आया, अपनी वाली साथ लेके चलता हूँ। साले देख इसको दारू बोलते हैं, ये नहीं जो कुत्ता छाप पिलाता। अंकल आप बैठिए। भगवान होता है अपने लिए, वहां से कुर्सी लेके आ, वहां से कुर्सी लेके आ। क्या अंकल, चार चार रुपए हो गए? अब तो बता दो आजकल क्यों उखड़े उखड़े रहते हो, नाराज से हैं? मेरी जिंदगी में ना एक संकट है, बहुत खूंखार और खतरनाक संकट। क्या बात कर रहा हूँ अंकल? वो ना मुझे तिल तिल करके नोच के खा जा रहा है। क्या बात कर रहा हूँ अंकल, कोई भूत पिशाच है क्या? नहीं, चुड़ैल है। ईमेल गोस्ट। अंकल कैसी है? मस्त है। अरे साले तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है, चुप रहो। अंकल कोई कांड वांड की हो गया? 10 साल पुराना कांड। उस चुड़ैल से गलती से मैंने शादी कर ली, तब से तिल तिल करके मेरा खून चूसा जा रही है वो। कैसी बात कर दी अंकल आपने, कैसी बात। उम्र के साथ ना आँख खराब हो गई आपकी। एक बार ना अगर इसकी आँख से देखते ना तो आपको पता चलता कि आपकी बीवी कितनी माल है, माल है? कमाल। मेरा मतलब है आपकी बीवी कितनी कमाल है। अबे कमाल माल नहीं है वो, मेरे लिए ना बिपाशा वासु है वो, बिपाशा वासु। अरे कभी कभी सोचते है ना कि थूकिया से कैसे शादी हो गई उसकी। अब दिन भर घुटका खा के इधर तो थूकता रहता है। बस मेरे पैसे की दारू पी के तुम मेरी बीवी को लाइन मारते हो, उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते हो तुम। कल मेरे को मेरा कमरा खाली चाहिए। Excuse me, अंकल। थोड़ी बहुत लोना हमने भी पढ़ी है। We know about tenant right. एक मंथ का नोटिस किधर है? हाँ तो कल नोटिस दे दूंगा मैं, कल के 30 दिन बाद मेरे को मेरा कमरा खाली चाहिए। पटाई लेंगे। तुम ना बैचलर को ना कमरा देना ही गुनाह है, और सर पे चढ़ाना उससे भी बड़ा गुनाह है। कल मेरा कमरा। हाँ हाँ मालूम है, चल अपने बाप के बच्चे चल। रूम खाली थी है मेरे को। ए अंकल दारू की बोतल नीचे रखो। महंगी दारू जोड़ के चला गया। अबे सदन तुम ना हमको उसको सेट करके हमको अडॉप्ट कर। अबे कर लेंगे दारू डाल। यार ये सुट्टा खत्म हो जाता, दिन शुरू नहीं होता, टट्टी नहीं यार। ऐसे कौन से स्कूल से पढ़ाई की है जहाँ गिनती 200 से स्टार्ट होती है? आई लव यू। हमारा मतलब है आई लव यू इंटर मेमोरियल स्कूल गाजीपुर उत्तर प्रदेश। वैसे आज आप जल्दी उठ गई। मैं रोज ही जल्दी उठती हूँ। शायद मैं ही लेट से उठता हूँ। अच्छा वो अंकल रात को घर आए थे, ज्यादा गर्म तो नहीं हुए थे ना? तो किसी बात का, गर्मी तो नहीं उसे। अरे मेरा मतलब वो कालीन भैया वाला गर्म नहीं था, मेरा मतलब था ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुए थे ना? अरे नाना वो आते टाइम ना सीढ़ियों से गिर गए थे, तो मैं उनको गोद में उठा के बेड पे ले जाके पटकती। आप उठा के ले गए? देख के तो बड़ी नाजुक लगती हो आप। सका से तुम भी तो आरामी नहीं लगते। आरामी बनाया भी तो आपने। रह पम्मी कितनी बार बोला तेरे को कपड़ा नीचे सुखा लिया कर, हैं यहाँ बारिश हो सकती है। हाँ तो हम किस दिन के लिए बैठे हैं? हम उतार देंगे कपड़े।
मेरा मतलब है कि तार से कपड़े उतार कर नीचे ले जाकर रख देंगे, तकलीफ कम होगी। तू अभी तक गई नहीं है? भाग। अरे बेटा इसे तो छोड़ दिया कर, तेरे माँ जैसी है वो। तुम्हारी भी बेटी जैसी लगती है। मेरा ही दिमाग खराब है जो हम तुमसे डेली लड़ने आ जाते हैं। शाम तक कमरा मुझे खाली चाहिए। नोटिस, नोटिस किधर है? हाँ 28 दिन बाद। हाँ 28 दिन बाद कमरा ही खाली कराते रह जाना तुम। और जिस दिन कब्जा करके बैठ गए ना उस दिन रोते रहना, वैसे भी तुम्हारा एक पैर ना कब्र में है। कमरा खाली चाहिए, अगला महीने भाड़ा भी नहीं देना। पांच सौ दो। मारवाजी जल्दी उठ गई आज आप। मैं तो रोज जल्दी उठ जाती हूँ। ए सत्तू, मोहल्ले की नाली बड़ी गंदी हो रखी है, किसी दिन ना नगर पालिका को फोन करके बुलाएंगे और साफ करेंगे, क्या पता मोहल्ले वाले इनाम दे दें। वैसे आज तो ऐसा चिकन में छौका मारा जाएगा ना कि पूरा मोहल्ला सूंघ के तितर बितर हो जाए। उसकी टेंशन मत लो, भागलपुर वाली मौसी से रेसिपी पूछे, तगड़ा चिकन बनेगा एक नंबर। कौन सी भागलपुर वाली मौसी बे? तुम जानते हो, तुम ही क्या सब जानते हो उनको। उनका यूट्यूब पे चैनल है खाना खजाना नाम से, पूरे 101 सब्सक्राइबर है उनके। आजकल सबका यूट्यूब पर चैनल होने लग गया। अरे महाराज कहाँ से आ रहे हैं? अरे अंकल कहाँ, ऐसे ही बाजार गए थे थोड़ा राशन सब्जी लेने। हाँ मालूम है तुम लोगों का खाने पीने का, 10 रुपए का चिप्स, 35 रुपए का पौआ, साले चीपट। और किराया का क्या सोचा है? अंकल किराया सोचा नहीं जाता, दिया जाता है। और हम आपसे कहे थे ना किराया आपको दे देंगे 4-5 दिन में। अच्छा पाँचवा दिन में वो क्या है ना कि हम अपनी मम्मी को फोन कर दिए थे किराया परसों तक हम आपको दे देंगे, और परसों तुम्हारी सैलरी भी आ रही है ना, परसों दे देंगे। अच्छा कौन सी कंपनी सोने का पैसा देती है? अंकल ऑनलाइन काम करते हैं घर से हम। चुप, बहाने बाज कहीं के। ये बैचलर्स ना सोसाइटी का वो कचरा है जिनको कभी साफ नहीं किया जा सकता। ये इनसे घर तो साफ होता नहीं है, ये बैचलर्स को कभी कमरा नहीं देना चाहिए। अरे बस यार अंकल बस, तुम्हारा बेटा भी तो बैंगलोर रहता है, किसी के यार रेंट पे रहता होगा तो एक तरीके से वो भी बैचलर हुआ। लेकिन नहीं, तुम्हारा बेटा जंबो, हम साले मुगैम्बो। और एक बात बताओ यार, बैचलर है तो है, अब एक तुम्हारे छोटे से कमरे के लिए लुगाई लेके तो नहीं फिरते रहेंगे ना, शादी तो नहीं कर लेंगे ना हम लोग। और दूसरी बात, हमको कोई शौक नहीं है घर से दूर रहने का, ठीक है हमको बहुत मजा नहीं आता है, वैसे भी हमको ना सड़ी गली ठंडी होटल ढाबे की रोटी खानी पड़ जाती है, हमको भी याद आती है यार माँ की खाने की, लेकिन मजबूरी है, नहीं जा सकते क्योंकि हमको काम करना पड़ता है। और दूसरी बात, हमारा बाप ना अंबानी नहीं कि हर शहर में ना एक कमरा लगवा दिया हो या एक फ्लैट लगवा के घर बना के दे दिया हो। अगर वैसा होता ना तो वहाँ जाके शौक से रहते, ऐसे 2x2 के कमरे में पल नहीं रहते, जिसमें पंखा भी ऐसे घुमा घुमा के डालना पड़ता। और तुम कौन सा मकान मालिक हो भाई, तुम कौन सी सेवा करते हो? दरवाजे की कुंडी भी टूट जाती है ना तो तुमको फोन करके 10 बार फोन करेंगे, पर तुम नहीं उठाते हो ना, खुद लेबर को फोन करके बुला के हम खुद लगवाते हैं। कभी एक बार भी पूछो, पैग नीट मार रहे हो, दारू पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कभी पूछो बेटा आओ धोनी वाला मेरे घर भी बैठ के खाओ? नहीं। और एक बात तो हम अब खुल के बोल सकते हैं कि तुम एक नंबर के बेरहम और बेदिल इंसान हो। तुमको हम अपने पिता का दर्जा दिए थे, बाप की तरह मानते थे तुमको, और तुम्हारी मैडम जी को हम अपनी मैडम जी की तरह मानते थे। पर हमको क्या मिला यार, हमको क्या मिला? जब तुम्हारे मेहमान आते हैं तो उनके साथ जो ड्राइवर आता है उनको हमारे साथ सुला देते हो बोल के बेटा एक दिन की बात है। कभी अपने दुकान से मिठाई लेके आए और हमको बोले हो कि बेटा एक बार मिठाई चख के बताओ कैसी है? नहीं। तुमको हमारी पता कब याद आती है? पहली तारीख को, जब तुमको ना अपना किराया चाहिए होता, और किसी दिन नहीं। और हाँ, आज मुर्गा लेके आए, मस्त मुर्गा बना के खाएंगे और अभी जाके सोएंगे। और दूसरी बात, तुम भी इनसे कुछ कम नहीं हो। जब भी साला कोई भी किराने का सामान लेके जाते हैं बोलते हो सुट्टा दारू लेके आए। अबे सुट्टा दारू से ही जीवन नहीं चलता है, जीवन उसके आगे भी होता है। हर चीज के लिए दारू पीने की जरूरत नहीं है, सामान दो हमारा। शाम तक कमरा खाली चाहिए मेरे को। नोटिस का है जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। छोड़ो बेटा, पहले ये बताओ कि सत्तू कहाँ है? स्वतंत्र आंटी हो गई कहीं, क्या हो गया आंटी? अरे कुछ नहीं बेटा, बस मुझसे थोड़ी सी बहस हो गई थी। यार आंटी आपको पता तो है, उसको अपनी जॉब को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है और उसके दिमाग पे वैसे ही स्ट्रेस है आंटी। अरे बेटा पर वो है कहाँ? आप शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ आंटी, मैं देखता हूँ। मुझे पता है साला कहाँ गया होगा। भगवान तूने कैसी जिंदगी दी,
मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ भगवान। तकिया ला दूँ? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? साले मेरा छोड़, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चुप करके चला जा यहाँ से, मुझे नहीं जीना उन घटिया लोगों के साथ। चला जा वापस, मुझे मरना है। मरने की बात कर रहा है साले? अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? दिन रात नौकरी कर रहे हैं, पेट काट के तेरे को पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये दिन देखने के लिए जवान लौंडा आत्महत्या करेगा? तू नहीं समझेगा यार, तू नहीं समझेगा मेरी तकलीफ क्या है। क्या नहीं समझूंगा, सब समझता हूँ, लेकिन मौत किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता मेरे दोस्त। तेरे को क्या लगता है तेरे मरने से कोई फर्क पड़ेगा, बदलाव आएगा, तेरे नाम का कोई महल बनेगा? कुछ नहीं होगा भाई, दुनिया दिखावे की है। चार पांच दिन ना तेरे नाम का लोग पोस्ट डालेंगे, तेरे को याद क्या करेंगे, वीडियो तेरे साथ डाला करेंगे, बोला करेंगे बहुत अच्छा इंसान था, याद आता था। तेरे अपने बोल रहे होंगे कि सूरज छिप रहा है, मिट्टी भारी हो गई है, क्रियाकर्म का वक्त निकला जा रहा है। तेरे अपने हम साले तेरे को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होंगे। अचानक से पता है धीरे धीरे क्या होगा, लोग तुझे भूलने लग जाएंगे, तेरा जिक्र कभी कभी हुआ करेगा। और अचानक से तेरा जिक्र सिर्फ तब हुआ करेगा ना जब कोई मरने की बातें करेगा और लोग कहेंगे वो देख साला स्वतंत्र था, वो कमजोर दिल का था, पटरी पे आके मर गया, अपने माँ बाप के लिए दर्द छोड़ गया, सरदर्द छोड़ गया। जिंदा रहेगा तो पता है क्या होगा, मुसीबतों से लड़ेगा, तकलीफ को समझेगा, अपनी पहचान बना पाएगा, अपने माँ बाप अपने अस्तित्व को जिंदा रख पाएगा। और एक बात बता, दिक्कत किसकी जिंदगी में नहीं है, छोटी से लेकर बड़ी हर टाइप की दिक्कत होती है। इन पंछियों को देख रहा है हवा में, इसकी भी जिंदगी में दर्द होगा पर ये बोल नहीं सकता। सोच अगर सारे पंछी एक दिन आसमान से गायब हो गए, सब मरने लग गए, कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? नहीं। क्योंकि भाई संघर्ष करते हैं वो लोग, डरते नहीं है। साले तू तो इंसान है, खुदा की बनाई हुई सबसे नायाब चीज। अपने मरने के बाद ना तू ज्यादा कुछ नहीं करेगा, तेरा जो छोटा मोटा दर्द है ना उसको और बढ़ा के ना अपने परिवार और अपने चाहने वालों के पास छोड़ जाएगा। लेकिन भाई, लेकिन वकील कुछ नहीं, साले तेरा आजकल ना मूड ज्यादा खराब रहने लग गया है। बोलता हूँ साले हिंदी फिल्में मत देखा कर, साले दिमाग खराब करने लग जाती है। साले चल अभी चल के ना तेरे को परवाड़ी के यहाँ से ना मटका कुल्फी खिला के लाता हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा ना तो अच्छे से सोचा करेगा। साले तू चैन से मरने भी नहीं देगा मुझे अब। साले दोस्त हूँ तेरा, जन्नत का प्लान ना अकेले अकेले नहीं बनता। आखिरी में आप सबसे बस इतना कहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं तो उसे सुधारने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, पर बस इतना याद रखें कि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया इसने, इसमें जिसके बारे में ज्यादा कोई डिस्कस भी नहीं कर जाऊंगा क्योंकि काफी हॉट टॉपिक है। सुशांत सिंह राजपूत का ही टॉपिक देख लो, फैसले की लाइफ में छोटे छोटे प्रेशर बन के बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाते हैं, वो दिखा नहीं पाते कभी किसी को। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके देख लो और अपने सिंगर चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरा तो कही देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।